गणपति विसर्जन के दिन 2 साल के मासूम का अपहरण। 12 घंटे में मालवणी पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, शाकानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। मुंबई के मलाड स्थित मालवणी गावदेवी मंदिर से गणपति विसर्जन के दिन 2 साल के मासूम का अपहरण कर मुंबई के वर्सोवा लेकर जाने वाली महिला को मालवणी पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार किया। मालवणी राठौड़ी विलेज गावदेवी मंदिर के पास रहने वाला रवि बंटीवर अपने 14 साल की बेटी और 2 साल के बच्चे के साथ रहता था। वह काम पर गया था। एक महिला बच्चे को बिस्किट दिलाने के बहाने दुकान ले गई और उसके बाद उसे लेकर फरार हो गई। पुलिस ने गावदेवी मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश की। लगभग 12 घंटे के बाद महिला मुंबई के वर्सोवा में पुलिस के हत्थे चढ़ी और पुलिस ने बड़े ही बारीकी के साथ पीछा करते हुए मासूम को सकुशल बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर मालवणी पुलिस थाने लाई। आइए देखते हैं जोन 11 के DCP अजय कुमार बंसल ने क्या कहा। मामला दर्ज हुआ है, वो पूरा मामला क्या है? कल शाम को अंदाजा 6:30 बजे के आसपास एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ मालवणी में, गणेश विसर्जन में सब बिजी थे उस टाइम पे, कि राठौड़ी गांव में गावदेवी मंदिर के पास एक 1.5 साल का बच्चा खेल रहा था, लड़का, और उसको कोई तो लेडी अपहरण करके लेके गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इमिडिएटली हमने अपने डिटेक्शन के ATC के स्टाफ को इसमें काम पे लगाया और 12 घंटे के अंदर बहुत कुशलता से इन्वेस्टिगेशन करके उस बच्चे को रिकवर करने में और महिला जो लेके गई थी उसको अरेस्ट करने में पुलिस ने सक्सेस प्राप्त किया है। बच्चे को उसके माँ बाप के पास सुपुर्द कर दिया गया है। आगे की सारी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। महिला संतोष साहू, ऐसा सोनम संतोष साहू ऐसा नाम है उसका, और वो रहने वाली वर्सोवा की है माइका और ससुराल यहीं गई है राठौड़ी गांव का ही, और ऐसा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बट उसने ये घटना को अंजाम दिया है एंड अभी क्राइम किया है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो रही है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? बच्चा और महिला कहाँ से मिली पुलिस? वो इस बच्चे को लेकर वर्सोवा तक गई थी, पुलिस पूरा ट्रैक करते हुए वहाँ तक गई और फिर ताबे में लिया है।